फैमिली कैसे है आप? तो आज हम गाइडेड कि हम डीएम लव लेटर्स करें, तो डीएम अपने डीएफ को एक लव लेटर देना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली डीएम टू डीएफ एक लव लेटर करेंगे, और उसके लिए हम लेंगे रोमांस एंजल्स, और हम लेंगे हमारे ट्विन फ्लेम मैसेजेस, और कर लेंगे ब्यूटीफुल सा एक लव लेटर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से। तो ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जैसे कि आप लोग को पता है जब आप लोग देखोगे तब आप लोग के लिए एप्लीकेबल रहने वाली है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि मैं अक्टूबर की बुकिंग्स अभी भी ले रही हूँ, और जो है टैरो रीडिंग्स के लिए, एंजेलिक रीडिंग्स के लिए ले रही हूँ, और न्यूमरोलॉजी के लिए ले रही हूँ। गाइस, न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आपको एकदम प्रिसाइज रिजल्ट्स दे सकता है, तो न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं आप लोगों को। आपका आगे मतलब प्रेडिक्शन ईयर वाइज मिल सकता है न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के थ्रू, आपका नेम करेक्शन होके मिल सकता है, क्या आप क्रिस्टल पहन सकते हैं, क्या आप स्टोन पहन सकते हो वो आपको पता चल सकता है, आपके लक्की डेज, आपके लक्की नंबर्स पता चल सकते हैं। और मैं एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, अलॉन्ग विथ टैरो कार्ड रीडर, एंजल थेरेपिस्ट, तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। प्लस मैं रेकी प्रैक्टिशनर लेवल पे हूँ, तो मैं रेकी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ हीलिंग, तो मैं उसकी भी बुकिंग ले रही हूँ अक्टूबर के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये सब बेनिफिट्स लेना, मुझसे सर्विसेज लेना, तो मुझे डायरेक्टली मेल करें फॉर चार्जेस और अदर आगे के बुकिंग डेज एंड डिटेल्स divinifymi@gmail.com पे। चलिए हम लोग जो है अब अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक ब्यूटीफुल सा लव लेटर चैनल करने वाले। अगर आप वंडर कर रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाइव फ्री सेशन कब होगा, तो वो संडे को होगा गाइस, वो आप लोगों को संडे को ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अभी डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से आप लोगों के लिए एक ब्यूटीफुल लव लेटर चैनल करवाते हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन हमसे लव लेटर देना चाहते हैं, तो देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं डिवाइन मैस्कुलिन हमको अपने लव लेटर में। शादी, वेडिंग, कह रहे कि सेपरेशन रिवर्स में है, तो कह रहे हैं कि मैं जो है अब तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता एक पल भी नहीं, मुझे शादी करनी है तुमसे। और भी कार्ड्स कह रहे हैं निकालो, देखो एक कार्ड जंप मारा है उसको भी ले लेंगे। केमिस्ट्री है, अगर तुमको लगता है कि हमारा लव में कोई प्यार नहीं बचा है, कुछ लव नहीं बचा है, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, मुझे तुमसे न्यूली लव हो रहा है, फ्रेश केमिस्ट्री फील हो रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी मत फील करो कि ये कनेक्शन में लव नहीं है, टू कीप इट गोइंग, ऐसा कह रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन अपने ट्विन फ्लेम से, अपने ब्यूटीफुल डिवाइन फेमिनिन से। कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी और से शादी कर भी ली है और आपको पता भी है, इस वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को छोड़ दो, हर एक चीज़ को मतलब इतना इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो, ये मैरिज उनके लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो मेक द फ्लर्ट करने के लिए आपके आगे एफर्ट लेंगे, आपके पास आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। वो लाइट एनर्जी चाहते हैं, फ्रेंडली न्यू लव की तरह फील करना चाहते हैं आपके साथ, और कह रहे हैं कि मैं आपको डायरेक्ट मैसेजेस दूँ। यस, कह रहे हैं प्लीज़ डोंट टेक व्हाट हैपेंड पर्सनली, अगर उन्होंने किसी और से शादी कर ली तो उसको पर्सनली मत लो, बिकॉज वो उसकी उनकी गलती थी आपकी नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने कुछ भी ऐसा गलत, या उन्होंने कह रहे कि उन्होंने कुछ भी किया जो आपको बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट किया हो, तो वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप में कोई कमी थी या आप में कोई प्रॉब्लम था, वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि आई कैन नॉट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, कह रहे हैं क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते थे और आपका प्यार उनको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कराता था। देखते हैं और क्या कह रहे हैं, अभी वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अगर वो सेपरेशन में है आप तो ऐसे कह रहे हैं कि वो सेपरेशन एंड कर देंगे, वो तो स्टार्टिंग में ही कह रहे हैं। प्लस एक टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बाहर निकल के आया, इसको हम ले लेंगे, कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। वो कह अगर आप कह आपने उनको बहुत ज़्यादा बताया था कि इस कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन के बारे में, तो अब वो कह रहे हैं कि आई कैन फील इट, पता है मुझे कि आप
तुम्हारा ही कनेक्शन बिल्कुल सही था, और जिसके साथ मैं था वो सही नहीं थी, और तुम ही सही थी हर बार। एंड क्योंकि ये कह रहे कि मैरिड है बहुत लोग, या बहुतों के मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पर जो उन्होंने किया है, या तो एंगेजमेंट किया है जिसके वजह से आप लोग जो है हर्ट हो गए हो, सेटबैक हो गया है आप में। लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करो, मुझे पता है कि तुम सही थी और तुम्हारी गलती नहीं थी, जो भी हुआ वो मैंने किया, तुमसे दूर भागने के लिए किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अपना टाइम चाहिए था। कह रहे हैं मुझे अब पता है कि वो जो जिसके साथ में था, जो भी है, वो सही नहीं है, और उनको ऐसा लग रहा है कि आई फील डैमेज, लाइक आई कैंट डू दिस। वो अभी उनके साथ और ज़्यादा नहीं रह सकते हैं जिसके साथ वो अभी है, और वो जानते हैं कि लेकिन वो अभी भी आपसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं आई एम नॉट द सेम पर्सन यू रिमेम्बर, वो सुधर चुके हैं। अगर वो पहले जानते कि आप लोग मतलब ट्विन फ्लेम्स हो या जो हो, तो डिफरेंट चॉइसेस लेते, लेकिन अब वो जान गए हैं और अब वो डैमेज हो चुके हैं ये सब जानने के बाद कि वो गलत थे और कितना गलत उन्होंने आप लोगों के साथ किया है। आई नो आई स्क्रूड अप एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया टू फिक्स इट। जब उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे आपकी चीज़ों को सही कर सकते हैं, उन्होंने आपको जितना हर्ट किया है वो कैसे सही कर सकते हैं, इसलिए वो आपके करीब आने के लिए तैयार नहीं है अभी। लेकिन वो कह रहे हैं, वो और भी फिर से उन्होंने मुझे रोमांस एंजल्स लेने के लिए कहा है, और वो आपको और भी मैसेजेस देना चाहते हैं। अरे कह रहे कि वो जानते हैं कि ये ट्रू लव है, और एक और कार्ड निकाल रहे हैं, प्लेफुलनेस नहीं है इस कनेक्शन में। वो जिसके साथ है उसके साथ खुश नहीं है, उसके साथ वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं, उनके साथ वो खुश नहीं रह पाते हैं, फ्लर्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो सीख रहे हैं कि कंट्रोल इश्यूज को जाने देना चाहिए, रोमांटिक फीलिंग्स जैसे वो चाहते हैं हमेशा वैसा ही नहीं होगा। दो और कार्ड जमीन पे गिरे हैं गाइज, मैं ले लेती हूँ। ओके तो कह रहे कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, करेंगे, थोड़ा ट्रस्ट मेंटेन करो उनके ऊपर। तो यही कहना चाहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके आपसे, आपके एक लव लेटर में अगर वो लिखते तो ये सब लिखते। तो यही है आज के लिए बस। आई होप आप लोग को ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लस मुझे एक और मैसेज यहाँ पे कह रहे कि जब मैं पैकअप करने लगती हूँ तो वो बोलना चालू कर देते फिर से। देखो कह रहे हैं कि वो शिप्स आर कमिंग इन, वो जिस अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन के लिए, वो अपॉर्चुनिटी देखिए दोनों जगह पे है कि वो वेट कर रहे हैं किसी सही सिचुएशन का। यहाँ पे शिप्स नहीं आए हैं, यहाँ पे दो शिप्स आए हैं, तो उनको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जब राइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो आपके पास ज़रूर आएंगे, आपको ज़रूर बताएंगे, रिकन्सिलिएशन ज़रूर करेंगे। थोड़ा ट्रस्ट रखो उन पे, ऐसा कह रहे हैं वो। अभी वो सिचुएशन में नहीं है कि वो आपके पास आ सके, लेकिन वो सुधर चुके हैं और वो आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं। तो आज का यही ख़त्म करेंगे गाइस, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।